दुआ के पापा खाना खा लें, जैनब के पापा नाश्ता कर लें। आजकल सोशल मीडिया पर ये बड़ा मशहूर हो रहा है, ये एक ट्रेंड है। अरशद साहब मेरे साथ मौजूद है, अपने बच्चों के साथ शॉर्ट रील्स डालकर वायरल होने वाले। हमने वीडियो बनाई थी, बेगम ना बार बार कहे जैनब के पापा, जैनब के पापा। तो फिर वो कोई इंडिया के आर्टिस्ट है, उन्होंने फिर इस पे ना गाना बनाया। तो जितने हम फैक्ट्रियों में मैं कमाता था, हम एक महीने में, एक दिन में उससे ज्यादा कमा लेते। अच्छा तो ये बताइएगा कि ये रील्स बनाने का आइडिया किसने दिया था आपको? रील्स बनाने का आइडिया माजिद भाई ने दिया था। माजिद भाई को थोड़ा अंदाज़ा था कि मैं ये काम कर सकता हूँ, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे आने से पहले हम ये घर में इस तरह की हरकतें करते रहते थे, मैं, माजिद भाई और ये जो साजिद भाई हैं हमारे। अच्छा। तो उनको ना ये तजुर्बा था कि अरशद भाई ये काम कर सकते हैं। तो जब ये तंग हो गए ना हम दुनिया से, फैक्ट्रियों से, तो फिर उन्होंने मशवरा दिया कि अरशद भाई आप भी सोशल मीडिया पर आएँ और ये रील्स बनाना शुरू करें। और मैं चाहता था कि मैं रील्स बनाऊं तो ये इस तरह की ना बनाऊं जो हरकतें आम लोग अक्सर करते रहते हैं, लाइक गानों पर डांस वांस ये वो। क्योंकि मेरी बच्चियां, तीन बेटियां मुअल्लिमा थी, बेगम बापर्दा थी, दाढ़ी रखी हुई थी, मैं इस तरह के लोगों को बदनाम भी नहीं करना चाहता था कि ये किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पर काम भी करना चाहता था। माजिद भाई ने अच्छा मशवरा दिया था। दुआ के पापा चाय आ गई है, दुआ के पापा खाना आ गया, दुआ के पापा नाश्ता आ गया, वो सारा कुछ एक वो एक गाना बना हुआ। तो वो गाना किसने तैयार कर, खुद ही तैयार करवाया या किसी ने बनाया, क्या किया है? नहीं, वो तो हमने वीडियो बनाई थी। उस दिन मेरे जहन में ये स्क्रिप्ट था कि मैं इस तरह शुरू करता हूँ कि बेगम ना बार बार कहे जैनब के पापा, जैनब के पापा। अच्छा। तो उसके लिए मैंने ये डायलॉग बनाया कि बेगम कहे कि जैनब के पापा फल आ गया, जैनब के पापा खाना आ गया, जैनब के पापा चाय आ गई है। अच्छा, वो जैनब के पापा उसमें। अच्छा। तो बाद में फिर दुआ कहेगी, पापा जी ये क्या मामा आपको जैनब पापा कहते रहते हैं, दुआ के पापा नहीं कह सकते। तो उस दिन मेरे जहन में ये स्क्रिप्ट था, इसलिए ये डायलॉग बार बार आया उस वीडियो में। तो फिर वो कोई इंडिया के आर्टिस्ट हैं, कोई मुझे नहीं उनका नाम भी नहीं पता और उनको मैं नहीं जानता। तो काफ़ी बड़े हैं, माजिद भाई ने बताया था, बड़े आदमी हैं, उन्होंने फिर इस पे ना गाना बनाया था। तो माजिद भाई ने मुझे वो व्हाट्सअप किया, मैंने सुना, काफ़ी अच्छा बनाया था उन्होंने। अच्छा अरशद भाई, बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरे माशाल्लाह, मेरी 5 बेटियाँ और 2 बेटे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप पहले शोबिस से भी रिलेटेड रहे हैं, लाइक सिंगिंग वगैरह करते रहे हैं? हाँ जी, करते रहते थे मोहल्लों में, ये मैरिज हॉल जो होते हैं, शादियों पे जाते थे, फंक्शन होते थे। अच्छा। ग्रुप होता था हमारा, सियालकोट में एकेडमी बनाई हुई थी, तो फिर उधर ही उस्ताद लोग होते थे, वो ले जाते थे साथ अपने। वैसे सुर वुर लगाने आते हैं? थोड़ा बहुत हो जाता है कभी, गाने वगैरह अब नहीं। नहीं, कोई नाद सुना दें गाने, तो हम गाने के लिए फोर्स भी नहीं करेंगे। सजा जहां है जिनकी खातिर, मैं उन पे सारा निसार कर दूं, ये एक जान क्या हजार हूँ तो हजार पे निसार कर दूँ। अरशद भाई, बच्चों को साथ कैसे लगा कि तो ट्रेन किया हुआ है और वो सारा कुछ? बड़ा मुश्किल है। अभी देखा ना, इंटरव्यू के लिए कहा भाई इधर बैठो, एक बच्चा है इधर बैठो, नहीं बैठ रहे। तो वीडियो बनाना कितना मुश्किल होगी, तो बहुत मुश्किल काम है। हम जिधर भी गए हैं ना, सब लोगों ने यही कहा कि बच्चों के साथ खासकर वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल काम है, आप बहुत टफ काम कर रहे हैं। तो इनकी जो वॉइसेस होती हैं, उन पर डबिंग शबिंग करते हैं, क्या करते हैं वॉइस पे? हाँ, दुआ की वॉइस पे करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, बाकी सब की ओरिजिनल है, मोहम्मद की ओरिजिनल आवाज़, ये जैनब की ओरिजिनल। दुआ की वॉइस पे कौन करता है? दुआ के जो मुश्किल डायलॉग होते हैं, जो मुश्किल अल्फाज हैं, वो उससे नहीं बोले जाते, वो जैनब करती है, बाकी वो डायलॉग अपने बोलती है। अच्छा। जिस तरह इधर बातें कर रही है। अच्छा जैनब, ये बताइएगा कि पापा के साथ आप वीडियोस वगैरह बनाती हैं, तो कोई मुश्किल तो नहीं पेश आती? नहीं। कितना अरसा हुआ है ये काम शुरू किए हुए? ये माशाल्लाह पिछले रमजान में शुरू किया था हमने रील्स बनाना। अच्छा। रमजान में शुरू किया था, अभी अगला रमजान आने वाला है, और रात को ही माशाल्लाह 6 मिलियन हो गए थे सब्सक्राइबर यूट्यूब पे। और टिकटॉक पे कितने फॉलोअर्स हैं? मैंने कभी उस पर देखा नहीं है, यूट्यूब को मैं देखता रहता हूँ,
कभी कभार, बाकी जितने मेरे अकाउंट मैंने कभी नहीं देखा, इंस्टा को भी नहीं कभी देखा, फेसबुक का मुझे नहीं पता, टिकटॉक का नहीं पता। ये टोटली हैंडल कौन करता है? ये माजिद भाई करते हैं, छोटे सारे सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है वो ही चला रहे हैं। प्रमोशंस भी आती है? हाँ, प्रमोशन का बहुत काम है, बहुत ज्यादा काम है। एक वीडियो हम ये अपना कंटेंट बनाते हैं तो दो वो बनानी पड़ती हैं, और वो रात को बनानी पड़ती हैं। तो एक पैकेज, एक प्रमोशन का कितना पैकेज लेते हैं? ये भी माजिद भाई को पता है यार। हाँ। पता कि ये मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे ये पता है कि मैंने सुबह कौन से टॉपिक पे वीडियो बनानी है, बस मैंने ये सोचना है और अगला दिन चढ़ना है तो मैंने वीडियो बनानी। स्क्रिप्ट कौन लिखता? स्क्रिप्ट मैं खुद लिखता हूँ। स्क्रिप्ट जितने भी आज तक मैंने लिखे हैं ना, जितनी भी वीडियो बनी, फनी हो या मोटिवेटेड हो, कोई भी हो, हाँ, वो सारे मैं खुद ही लिखता हूँ। और कभी कभार जब लिख लिख के आक जाता हूँ और थक जाता हूँ ना, तो फिर माजिद भाई से मशवरा लेते हैं, बेगम है वो मशवरा दे देती हैं, और मोहम्मद भी मशवरा देता है। वो यही देता है कि पापा जी हम आप तो देख के पापा चलो चीज़ लेने चले, तो हम चीज़ लेने जाएंगे, बोले भाई वीडियो बना लेगा, तो वो उसका यही स्क्रिप्ट होता है। शुरू शुरू में तो जब मैं फैक्ट्री में जाता था, शाम को आके रात को वीडियो बनाता था, और बच्चों के तरले और मिन्नते करता था, बेटा सो ना ऐसे ऐसे जगाता था, उठो उठो, तो बड़ी मेहनत करके जो है ना वीडियो बनाई है स्टार्ट में तकरीबन 2 महीने। अरशद भाई अपनी तालीमी काबिलियत कितनी है? मेरी तालीम कुछ भी नहीं है, मैं स्कूल में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, एक क्लास भी नहीं गया है हूँ स्कूल, और ये याद नहीं है कि कितनी पढ़ी है, लेकिन मैं बिल्कुल ना पढ़ने के। एक साल में कितना कमाया YouTube से? अल्हम्दुलिल्लाह लाखों कमाए, बहुत कमाए माशाल्लाह, अभी तक कमा रहे हैं और दिन ब दिन बढ़ रहे हैं माशाल्लाह। करोड़ों में अभी गेम नहीं गई? नहीं, करोड़ों में जब जाएगी फिर कहेंगे करोड़ों कमाए। और जितने हम फैक्ट्रियों में मैं कमाता था एक महीने में, एक दिन में उससे ज़्यादा कमा लेते हैं, अल्लाह ताला बहुत नवाज रहा है।